मुमरा से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि मुमरा बाईपास के गांव देवी में आज एक बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ की मेन ऊंचाई से एक पत्थर दो मकान पर आ गिरा, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला का नाम कविता वन पसारी, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई गई है, जबकि एक लड़का घायल भी बताया जा रहा है। हादसा आज शाम के वक्त करीब 5 बजे हुआ है। जानकारी के अनुसार पत्थर के नीचे महिला दब गई थी। किसी तरह से स्थानिक की मदद से महिला को बाहर निकाला गया और तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि तेज बारिश के दौरान पहाड़ की चोटी से एक पत्थर गिरा और यह भयानक हादसा हुआ। मौके पर मनपा अधिकारी, मुमरा पुलिस और आपत्ति व्यवस्थापन की टीम मौके पर पहुँच कर मलबा हटाने में जुटी रही। ऐसे में मौके वारदात पर स्थानिक विधायक जितेंद्र अवार्ड भी पहुंचे। जितेंद्र अवार्ड ने पूरे घटना की जानकारी दी और क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये हादसा हुआ है और एक पत्थर घर पे जाके ऊपर से गिरा। ये आपके पीछे जो पहाड़ है उसके ऊपरी भाग में 2-3 पत्थर नजर आ रहे हैं, उसमें का एक पत्थर नीचे गिरा है और वो आके वो झोपड़ी में गिर गया। औरत जो घर में सोई थी उसके ऊपर वो जाके गिर गया आखिर में और उस औरत की मौत हुई। शासन 10 लाख देती है मृत व्यक्ति को, वो तो मिलेगा, लेकिन मुझे सबसे खतरा जो नज़र आ रहा है वो है ये है कि ये पहाड़ के ऊपर और भी 4-5 पत्थर नज़र आ रहे हैं। जल्द से जल्द वो पत्थरों को निकालना पड़ेगा, वरना और कभी भी हादसा हो सकता है। ये PWD के वल्वी साहब आए हैं, उनसे बात की है, मैं अभी रात को मिनिस्टर से भी बात करूंगा, जाके ही बात करूंगा। ये तुरंत इसके बारे में फैसला लेना पड़ेगा। जैसे लोनावला के बाईपास पे, लोनावले के घाट में जब ऐसी आपत्ति आती है तो उस आपत्ति को रोकने के लिए लोनावला में पूरे पहाड़ को उन्होंने जालियां लगी। मुझे लगता है ऐसे जो पहाड़ है इस बाईपास पे, जैसे एक आगे जाके जहाँ खड़ीमोशिन रोड है उसके बाजू में जो पहाड़ है उधर भी हमेशा पत्थर गिरते रहते हैं। अभी भी दिख रहा है कि पत्थरों का जो बेस, जिसको स्ट्राटा बोलते हैं, वो स्ट्राटा हिला है। स्ट्राटा हिलने के कारण पत्थर इधर उधर हो गए, कभी भी गिर सकते। तो ये गवर्नमेंट को तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। वैसे मैं बात करके तुरंत इसके पीछे लग के उनको कार्रवाई करने लगी। सर, मनपा अधिकारी का कहना था कि PWD विभाग को जो है कई बार इसके बारे में सूचित किया गया था, लेकिन इन लोगों ने वक्त रहते काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये बड़ा ऐसा है। इसके ऊपर उंगली, उसके ऊपर उंगली उठाने से कुछ नहीं होता है। हादसा हो गया, एक सबक मिल गया, अब PWD को काम ये करना पड़ेगा। ये उंगलियाँ उठाने का काम मेरा नहीं, मैं कभी ये करता नहीं, जिम्मेदारी से पेश आया हूँ। घटना घटी है, आगे क्या होगा उसको देख के वो कैसा रोका जाएगा उसकी तस्वीर करनी चाहिए। थैंक यू।